बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, खुश आमदे टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो ये व्लॉग है तो ये एक दिन का नहीं है, 3-4 दिन का व्लॉग है। और व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था, सुबह के टाइम पर मैंने वीडियो बना कर रखी थी। और बिल्कुल सुबह सवेरे तो नहीं है, 10:30 या 11 बजे का टाइम होगा। उस टाइम मैं अपनी जो मेरी दूसरी बेटी है उसके लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी जो बेटी है वो और मेरा जो बेटा है तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं स्कूल, और जो मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी है तो वो सेकंड शिफ्ट में जाती है, तो वो इसीलिए थोड़ा सा जो है तो लेट उठ जाती है, वो इतनी सुबह सवेरे नहीं उठती है। तो वो 11:30 बजे जाती है, तो इसलिए वो मैं उसको सुबह सवेरे जगाती नहीं हूँ इतना, तो मैं उसको 10:30 या 11 बजे तक उठ जाती है। तो अभी मैं उसका नाश्ता बना रही थी। और वीडियोस तो मैंने काफ़ी दिन से 4-5 दिन से बना कर रखी हुई थी, पर मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं अगर वॉइस ओवर करूँगी तो सब यही समझेंगे कि मैंने किसी और से वॉइस ओवर कराया हुआ है। क्योंकि आजकल मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है ना, कुछ सर्दी आ गई है तो हर किसी को जुकाम खांसी तो और यहाँ पर मेरी बेटी का मैं तो नाश्ता बना रही थी, उसके लिए मैं अंडा और ब्रेड बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करके बना लूँ, तो ये मैंने देखा था इस तरह से ब्रेड को मैंने बीच में से काट लिया था, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है तो वो मैंने निकाल लिया था, और उसके बीच में मैंने जो ऑमलेट बनाया था मैं सोच रही थी कि मैं उसको ऑमलेट बना कर दूँगी। फिर वो जो अंडा मैंने बनाया था उसमें मैंने वेजिटेबल्स वगैरह, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर कट करके डाला हुआ था। फिर वो मैंने इसका ऑमलेट जैसा बनाकर उसको मैंने इसके सेंटर में डाल दिया, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, बिल्कुल गैस मैंने स्लो कर दिया था कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। और उसके बाद मैंने वापस उस ब्रेड को वहाँ पर ही वापस रख दिया और इसकी साइड मैंने चेंज कर दी। और ये इतना अच्छा बना था, इतना मज़े का, वो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं सोच रही थी कि आइंदा मैं बच्चों को कभी कभी इस तरह से भी बना कर दूंगी, क्योंकि बच्चों को इस तरह से अगर थोड़ा सा चेंज करके बना कर दिया जाए तो बच्चे वो बहुत शौक़ से और मज़े से खा लेते हैं। और एक स्लाइस मैंने अपनी बेटी को बना कर दिया था और एक मैंने अपने लिए बनाया था। तो बस ये सिंपल सा मेरी बेटी का नाश्ता था, उसको मैंने चाय दी और मैंने भी चाय पी, और उसके बाद बस मैंने उसको स्कूल के लिए तैयार कर दिया। वो अभी 1 क्लास में है और वो स्कूल के लिए तो खुद ही तैयार हो जाती है, पर मैं उसको नाश्ता बना कर देती हूँ या उसको यूनिफॉर्म वगैरह जो है तो वो प्रेस करके देती हूँ, और बस वो तैयार तो अभी खुद ही हो जाती है, मैं उसको तैयार नहीं करती हूँ। बस नाश्ता करने के बाद और भी कुछ काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और आजकल तो कुछ ऐसी रूटीन हो गई है ना लॉकडाउन के बाद के, बच्चों की भी एक रूटीन सेट नहीं हो रही। बच्चे पहले मेरे जो है तो वो सुबह का नाश्ता ज़रूर करके जाते थे, वो आजकल मैं उनके लिए सुबह को नाश्ता बनाती हूँ तो वो खाते ही नहीं है। या जो मेरा बेटा है तो उसको सुबह सुबह को उठ कर इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं है, तो वो बिल्कुल भी पराठा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं खाता, वो सिर्फ थोड़ी सी ब्रेड खा लेता है चाय के साथ या बिस्किट खा लेता है। और मेरे बेटे को शुरू से ही आदत है, वो उसको लंच भी लेकर नहीं जाता है। मैं काफ़ी बार उसको देती हूँ लंच बनाकर, देती हूँ तो वो वापस लेकर आता है, वो खाकर ही नहीं आता। या मैं उसको पानी का थर्मास बना कर देती हूँ तो वो भी बिल्कुल भी नहीं पीता है। वो कहता है कि मैं कोई लड़की हूँ, मुझे कह रहा था कि मैं कोई लड़की हूँ जो मैं लंच बॉक्स लेकर जाऊँ या मैं पानी का थर्मास लेकर जाऊँ। मैंने कहा इसमें लड़की और लड़के की क्या बात है? तो वो कह रहा था कि हमारे क्लास में जो भी लड़के हैं वो ऐसे तो वो ब्रेक के टाइम पर बाहर चले आते हैं, खेलते हैं, चीज़ वगैरह खा लेते हैं कुछ लेकर, और जो लड़कियाँ होती हैं तो वो क्लास में ही बैठी रहती हैं और वहाँ पर अपना लंच वगैरह करती हैं, तो इसीलिए बस मैं लंच नहीं लेकर जाता, अगर मैं भी लेकर जाऊंगा तो मैं भी ब्रेक के टाइम पर लड़कियों के साथ बैठकर खाऊंगा, क्लासरूम में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इसीलिए वो लेकर भी नहीं जाता है। तो बस मैं सोच रही थी कि बस बच्चे अब कुछ दिन तक स्कूल रेगुलरली जाएंगे तो उनको खुद ही आदत हो जाएगी सुबह के टाइम पर नाश्ता करने की, पर फिर भी मैं बच्चों को लंच सुबह के टाइम पर मैं पका लेती हूँ। पर अगर बच्चे नहीं खा कर जाते हैं या तो फिर वो मैं, मेरे हस्बैंड और मैं थोड़ी देर के बाद 9:30 या 10 बजे के टाइम पर खा लेते हैं। और जहाँ पर मैं जो पानी की बॉटल्स होती है और जो बच्चों के फिल्टर होते हैं तो वो वॉश कर रही थी, और उनको मैं अच्छी तरह से बच्चों के फिल्टर को बॉयल कर लूँगी, पर अभी सर्दियाँ आई नहीं है और जहाँ पर तो गैस की जो लोड शेडिंग है तो वो शुरू हो गई है, और गैस सुबह के टाइम पर भी 9:30 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद 11:30 बजे 2 घंटे के बाद आ जाता है, और शाम के टाइम पर भी ऐसा होता है, और रात के टाइम भी 9 बजे गैस चली आती है तो वो 10:30 या 10 बजे आती है। तो अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई तो 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो अभी आगे और देखें कि क्या होता है, होती है या नहीं होती है या कम हो जाती है। तो बस उसके नाश्ते के बाद मेरे जो छोटे मोटे से काम होते हैं, जो पानी की बॉटल्स होती हैं तो वो मैं भर कर रख देती हूँ,
और उसके अलावा जो ये बच्चों के थरमास है तो ये भी मैं बना लेती हूँ। मेरी जो छोटी वाली बेटी है तो वो थरमास लेकर जाती है पानी का, पानी पी लेती है। और इसमें से एक मेरी बड़ी बेटी का है, एक मेरे बेटे का है। मेरे बेटे को भी मैं ज़रूर देती हूँ, भले वो फिर पी कर आए या ना आए, पर मैं उसको पानी ज़रूर देती हूँ, घर से वो लेकर जाता है। तो बस यही मैं कर रही थी, क्योंकि छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना तो ये भी इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे पता नहीं क्यों पानी की बॉटल चाहे थरमास होना चाहिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इनको मैं एक दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ 2-3 के बाद। और ये जो मेरे रूम में चक पड़ा होता है तो बस ये वही है। तो ये जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम होते हैं इनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बस अभी मैं यही कर रही थी इन सबको अच्छी तरह। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने टाइटल में देखा होगा कि मैंने न्यू अबाया लिया है, तो अबाया मैं पहनती हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी सारी जो है औरतें या लेडीज़ तो वो पहनती हैं। मैं कहीं पर जाती हूँ तो आने जाने में मैं पहन लेती हूँ। और जब मैं कहीं अपने रिश्तेदारों में जाती हूँ या हम अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो मैं बड़ी जो चादर होती है तो वो पहन लेती हूँ अपने ऊपर। और अगर मुझे कहीं शॉपिंग करने के लिए जाना होता है या मैं ग्रोसरी करने के लिए मार्केट वगैरह जाती हूँ या सुपर स्टोर, तो फिर मैं उस टाइम पर ना अबाया पहन लेती हूँ। और पहले से मेरे पास 2 या 3 अबाया हैं, और एक जो है तो वो मैक्सी फ्रॉक टाइप का है, और 2 मेरे पास जो है तो वो बटरफ्लाई स्टाइल के हैं। और मुझे जो अबाया है ना वो बटरफ्लाई स्टाइल का ज़्यादा अच्छा लगता है, और आजकल वैसे फैशन में भी है। तो मेरा जो पहले वाला अबाया था तो वो थोड़ा सा पुराना हो गया था और वो बिल्कुल ही प्लेन था, तो मुझे थोड़ा शौक था कि मैं थोड़ा सा चेंज ले लूँ जिस पर थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह की हुई हो, वैसे वो मैं आने जाने पहन लूँगी। और यहाँ पर जो ये मैं छोटी वाली बॉटल्स वॉश कर रही थी, तो ये मैं जो हनी लेकर आई थी तो उसकी बॉटल से, तो मेरी बेटी ने ये फेंक दी थी, तो मैंने कहा तुमने क्यों फेंक दी, क्योंकि खाली हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनमें छोटी वाली जो इलायची होती है तो वो रख दूँगी। तो मेरी बेटी कह रही थी कि क्या छोटी छोटी सी बॉटल्स आप इतनी वॉश करके रख दी जाती हैं या ये चीज़ें जमा करती हैं। तो बस मुझे अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी जो बॉटल्स होती हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इनमें छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना वो गुम हो जाती हैं या मिक्स हो जाती हैं, तो इसके लिए ये छोटी छोटी सी जो बॉटल्स होती है ना ये काफ़ी काम में आ जाती है। तो इसी तरह मैं जो जैम की बॉटल्स होती है या उसके अलावा कोई भी ऐसी छोटी बॉटल होती है जो देखने में भी अच्छी लगती है, तो वो मैं वॉश करके और उसको फिर दोबारा से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा किचन जो है तो बिल्कुल क्लीन हो गया था। मैं किचन की सफाई अच्छी तरह से एक दिन में 2 या 3 बार करती हूँ। सुबह के टाइम पर तो मेरी जो हेल्पर है तो वो आ जाती है, तो बर्तन वगैरह वॉश करके और किचन की सफाई कर देती है, पर वो जब चली जाती है तो उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ, तो उस टाइम मैं सफाई करती हूँ। और हमारे यहाँ तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो मेरा किचन क्योंकि ओपन है तो मुझे 2-3 बार सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही थी अपना अबाया जो मैंने लिया है अभी, तो इसका कलर सामने से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इसकी जो ये एम्ब्रॉयडरी तो इसमें गोल्डन और पीच कलर की कढ़ाई की हुई है, और इसमें छोटे छोटे से जो बीट्स होते हैं ना वो भी लगे हुए हैं, जो होते हैं छोटे छोटे से गाउन वगैरह पर अबाया पर लगे हुए थे। और जो डबल है इसके जो अंदर है तो वो मैक्सी टाइप का पूरा इसका इनर लगा हुआ है फुल। और इसकी अबाया की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मुझे साइज़ में फिट आ गया था पूरा, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है पर मेरी हाइट ज़्यादा है, तो अबाया जो होते हैं ना अक्सर तो वो मुझे थोड़े से छोटे मिलते हैं, तो वो थोड़े से ऊपर ऊपर होते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये फुल मुझे पैरों तक अच्छी तरह से आ गया था, और जो देखें इस पर अच्छी तरह से पूरी कढ़ाई की हुई है ऊपर, और उसकी अंदर से जो स्लीव्स हैं तो वो बिल्कुल पूरी है मैक्सी की तरह लगी हुई है। और इसके साथ मुझे स्ट्रोलर भी मिला है, और इस पर एम्ब्रॉयडरी तो नहीं की हुई है पर इस पर भी ये छोटे से जो बीट्स होते हैं तो ये लगे हुए हैं। और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट है, और इस पर जो काम किया हुआ है ना तो वो इतना सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है, क्योंकि इस तरह की जो हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है ना तो वो इतनी कम्फर्टेबल नहीं होती, या उसके अंदर कुछ ऐसा हो मटीरियल या बकरम वगैरह या इसके अंदर कुछ ऐसा लगा लेती हैं कि वो हमें तंग करती है, पहनने में कम्फर्टेबल नहीं होती।
तो इस ये काफ़ी पहनने में कंफर्टेबल है और नीचे से इसका फॉल भी काफ़ी अच्छा है और डबल भी है, तो बस मुझे अच्छा लग गया। और मैंने जब पहन कर देखा तो इसका जो साइज़ है तो वो भी मुझे अच्छी तरह से आ गया, फुल मुझे पैरों तक आ गया, तो बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और मैंने ये जो अबाया तो ये 3000 रुपीज़ में लिया है। और उसके बाद मैंने वॉश किए थे कपड़े सुबह के टाइम पर, सवेरे जिस टाइम मेरी हेल्पर आई थी, मतलब 12:30 या 1 बजे मैंने वॉश किए थे। तो अभी जो है शाम तक, शाम का टाइम है, तो बस मैं वो उतारने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा था कि कुछ कपड़े मैं इस टाइम पर इस्त्री कर लूँगी और जो कुछ कपड़े हैं तो वो बाद में रात के टाइम पर कर दूँगी या फिर मैं कल कर दूँगी। और जब मैं ऊपर आई तो काफ़ी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और मौसम यहाँ पर अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दिन के टाइम पर भी गर्मी इतनी नहीं होती है और रात के टाइम पर भी थोड़ी सी सर्दी होती है। और मैं सोच रही थी कि मैं आज या कल तो ब्लैंकेट्स भी निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे जो है तो वो कंफर्टर तो वैसे पहन लेते हैं पर फिर भी उनको उसमें से थोड़ी सी सर्दी लगती है। तो बस मैं सोच रही थी कि आज या कल जो है तो वो मैं ब्लैंकेट वगैरह निकाल लूँगी, तो जिसको ज़्यादा सर्दी लगेगी तो वो पहन लेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ी सी चना चाट, और मेरे हस्बैंड जो है तो वो ये ग्रेप फ्रूट लेकर आए थे। ये मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड जैसे ही लेकर आते हैं तो वैसे ही पड़ा रहता है, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको कड़वा सा लगता है इसका टेस्ट। खाने के लिए वैसे हेल्थ के लिए तो ये काफ़ी अच्छा होता है पर मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, और मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि जो मेरे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं मेरे घर में, तो उन सबको मिक्स करके और इसमें थोड़े से चने डालकर मैं इसकी चाट बना लेती हूँ, तो बच्चे फिर भी शायद वो थोड़ी बहुत खा लेंगे, क्योंकि इस तरह अगर ज़्यादा दिनों तक फ्रूट्स पड़े रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं फिर। तो बस मैं वही चना चाट बना रही थी बच्चों के लिए। लास्ट ईयर मेरे घर में जब मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे ना ग्रेप फ्रूट, तो मुझे बात याद आ गई कि मैंने इसके जो सीड्स होते हैं ना इसके बीज वो अपने गमलों में लगा लिए थे, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना तो उन्होंने अपने गमलों में ये सीड्स लगाए थे इसके बीज ग्रेप फ्रूट के, वो थोड़े से ड्राई करके या ऐसे ही डाल दिए थे गमलों में, तो वो इनके जो है ना तो छोटे छोटे से उसमें से पौधे निकल आए थे। तो मेरी बेटी ने भी मुझे बताया कि दादी माँ ने ना इस तरह से ये ग्रेप फ्रूट के जो बीज होते हैं ना तो वो अपने गमलों में लगा लिए थे, तो उसमें से छोटे छोटे से पौधे निकल आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा मैं भी इसको लगा कर देखती हूँ, शायद मेरे भी पौधे जो हैं तो वो निकल आएंगे। तो मैंने वो बीज लगा लिए थे गमलों में, तो ये ग्रेप फ्रूट के छोटे छोटे से 2 इंच इतने के पौधे जो है ना वो ग्रो हो गए थे, निकल आए थे। और उसके बाद जब सीज़न चेंज हो गया, जब सर्दी ख़त्म हो गई, तो वो बिल्कुल अपने आप ही पता नहीं क्यों मुरझा गए। तो शायद ये जो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना वेजिटेबल्स, तो वो बिल्कुल ज़मीन में ही होते हैं, वो अगर आप गमलों में लगाएंगे तो वहाँ पर वो नहीं बढ़ सकते, वो मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसीलिए शायद वो पहले तो इतने अच्छे अच्छे से उनकी पत्तियाँ वगैरह निकल आई थी, वो ग्रो हो रहे थे, और उसके बाद जब सीज़न चेंज हो गया था या जिस टाइम पर इस फ्रूट का सीज़न होता है वो ख़त्म हो गया, तो 1.5 या 2 मंथ के बाद वो अपने आप ही जो ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने ये जो चना चाट है वो मैंने बना ली थी, और उसके साथ साथ ही अपनी चाय भी बना ली थी और मैं पी रही थी। आजकल शाम के टाइम पर भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जिस टाइम बच्चे सो जाते हैं, मेरी छोटी बेटी सो जाती है, तो उस टाइम मैं जल्दी जल्दी से अपने काम कर लेती हूँ, बच्चे के कपड़े वॉश कर लेती हूँ या और भी कुछ काम होते हैं ना। और आजकल दिन भी थोड़ा सा छोटा हो गया है, गर्मी में तो ये होता है कि दिन बड़ा होता है, तो काम आराम से हो जाते हैं। और अभी मौसम चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो दिन भी काफ़ी छोटा हो गया है, और माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, किसी की वॉश करनी होती है, किसी की प्रेस करनी होती है, तो काफ़ी सारे काम होते हैं शाम के टाइम पर, या बच्चों के लंच बॉक्स या ये बॉटल्स वगैरह जो होती है वो वॉश करनी होती है। तो कुछ टाइम अगर मुझे सुबह के टाइम पर मिल जाता है तो मैं सुबह के टाइम पर ये काम कर लेती हूँ, या कोई शाम के टाइम पर मुझे फ्री होती हूँ तो शाम के टाइम पर कर लेती हूँ। तो बस इतनी बिजी सी आजकल रूटीन हो गई है। तो वीडियोस तो मैं बना लेती हूँ पर मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं आजकल 3-4 दिन के जो व्लॉग्स ना तो वो एक साथ ही अपलोड करती हूँ, वो एक साथ ही उनकी वीडियो बड़ी सी बनाकर अपलोड करती हूँ। इंशाल्लाह जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए उनका, या कुछ मैं फ्री हो जाऊँगी, एक जैसी रूटीन थोड़ी सेट हो जाए तो मैं, तो फिर मैं हफ्ते में 2-3 या 4 वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। और यहाँ पर हम बना रहे थे चिकन रोल, मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसको बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो कह रही थी कि मुझे चिकन रोल ही खाना है। मैंने शायद उस दिन चने की दाल बनाई थी तो वो नहीं खा रही थी, क्योंकि उसको, मेरी बेटी को ना हर कोई दाल पसंद है, उसको दाल बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, पर वो जो मोटी वाली दाल होती है ना चने की दाल, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैंने चिकन, मेरे पास मेरी लटकी हुई पड़ी हुई थी, तो बस मैंने वो थोड़ी सी, हमने दोनों ने थोड़ी सी फ्राई कर ली थी, और उसके बाद उसके हमने रोल बना लिए थे। और रोल मैंने 2 दिन बनाए थे, दूसरे दिन मेरे घर मेहमान आए थे,
कुछ गेस्ट आए थे मेरी मदर इन लॉ के घर, तो हमारे घर भी आए थे, तो उनके लिए मैं बना लिए थे। और ये जो चिकन रोल है तो मैंने अपने लिए बनाए थे। तो दूसरे दिन तो उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, और मेरी बेटी भी जाग रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी से कोशिश कर रही थी कि मैं कुकिंग कर लूँ, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और वो जब जब केस चले गए थे तो उस टाइम कुछ जो है तो वो उनका मिक्सचर बचा हुआ था। तो ये जो चिकन रोल है जो मैंने अपने बेटे के लिए और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, उनके आने से थोड़ी देर पहले मैंने बनाकर और रूम में रख लिए थे। जब मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जिस टाइम आते हैं तो वो 7:30 या 8 बजे का टाइम था, तो उस टाइम मैंने ये बनाकर उन दोनों के लिए रख लिए थे कि वो जब आएंगे तो वो खा लेंगे। तो बस ये मैंने रख ली थी। और यहाँ पर मैं आपको एक डॉल दिखा रही थी कि मेरी जो बड़ी बेटी थी ना, तो वो इतनी शरारती नहीं थी। जो मेरी छोटी बेटी है तो वो माशाल्लाह से काफ़ी शरारती, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है वो इतनी शरारत इतनी मस्तियाँ नहीं करते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा शरारत करते हैं। तो ये डॉल मेरी बड़ी बेटी की थी, जो उसने इतनी यूज़ नहीं की थी, या बस ये उस टाइम मेरे पास जो है ना डिवाइस लगा हुआ था दीवार में, जो मेरा पहले वाला रूम होता था, तो उसके लिए इसी वजह से ये पड़ी हुई है, इतनी ख़राब नहीं हुई है। तो जब मैंने अपनी छोटी बेटी को डॉल निकाल कर दी, तो उसने क्या किया कि इसके पानी वगैरह निकाल लिए, इसके बाल पूरे बिखरा लिए, इसके शूज़ वगैरह पहले ही दिन इसकी सारी चीज़ें शूज़ वगैरह निकाल कर गुम कर दिए थे। तो ये जिस दिन मैंने उसको निकाल कर दी थी ना, मैंने इसमें बैटरी वगैरह लगा कर उसको मैंने रात के टाइम पर चला कर दी थी, तो उसने क्या किया कि दूसरे दिन इसके बाल वाल खोल दिए, इसकी पौनी वगैरह ख़राब कर ली, और इसके जो शूज़ ना तो वो भी निकाल लिए थे। तो शूज़ तो मैंने इसको पहना लिए थे, और पौनी इसकी बेचारी की मैंने अभी तक नहीं की। मैं सोच रही थी कि आज या कल इसकी भी पौनी बांध लूँगी, बच्चों की तरह इसके बाल भी मैं बना लूँगी। तो बस बच्चों वाले घरों में तो ये सारे काम चलते रहते हैं। और ये रात का टाइम था, उस टाइम पर जब मेहमान चले गए थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और 9 बजे क्योंकि हमारे घर तो जैसे गैस चला जाता है, या हमारे जो एरिया है यहाँ पर गैस नहीं होता है, लोड शेडिंग हो जाती है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से बस क्या चीज़ बनाऊँ जो 20-25 मिनट में तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गैस फिर से चला जाएगा तो फिर मैं क्या चीज़ बनाऊँगी। तो इसी टाइम मैंने बस जल्दी जल्दी से थोड़ी बहुत जो भी सब्ज़ियाँ मेरे हाथ में आई तो मैंने जल्दी से उसकी कटिंग कर ली, और उसमें से मैंने चना पुलाव बना लिया था, क्योंकि चना पुलाव जल्दी जल्दी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मेरे जो बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड हैं तो वो शौक से खा लेते हैं आराम से। तो बस मैंने जल्दी से बना लिया था, और शुक्र है मैंने बना लिया था क्योंकि उसके थोड़ी देर के बाद ही गैस चला गया था, गैस बंद हो गया था। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।